अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार सुबह चले सीआरपीएफ के काफिले में 60 वाहन थे, जिसमें तकरीबन 2547 जवान थे। जैसे ही काफिला दोपहर 3:15 बजे गोपीपरा में पहुंचा, तभी अचानक एक कार तेजी से काफिले में घुस गई, बस को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एक जोरदार धमाका हुआ और बस के परखच्चे उड़ गए। इन शहीदों में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सिपाही अजीत आजाद सिंह भी शहीद हुए हैं। अजीत आजाद सिंह का पूरा गाँव शोक में डूबा हुआ है तथा उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की कड़ी निंदा की है, कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, शहीदों के बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। आज कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश सराहना करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीआरपीएफ देश का एक बहादुर और अग्रणी सुरक्षा बल है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए इस बल ने समय समय पर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जम्मू और कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम रखने में इस बल कि योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज कृतज्ञ भारत उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा इस कठिन घड़ी में उनके परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ा है। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। वहीं हमले के बाद दूसरी पार्टियों द्वारा राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि वो लाल आंखें और 56 इंच का चौड़ा सीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों की शहादत का जवाब दें, हमें निंदा नहीं बदला चाहिए। उन्होंने मीडिया तक को भी नसीहत दे डाली। वो जैश ए मोहम्मद के उग्रवादी हों, वो लश्करे तोबा के या उनके किसी और संगठन के, वो एक बात जान लें, वो भारत का बाल बांका नहीं कर सकते। जब तक हमारे जवान और हमारे नागरिक हमारी सरजमीं की रक्षा कर रहे हैं, वो इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमले तो कर सकते हैं, पर एक एक 135 करोड़ भारतीयों में से भारत मां के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। वो अपने मंसूबों में कहीं नजदीक से भी कामयाब होने वाले नहीं, चाहे वो हमसे 100 साल और ये लड़ाई लड़ लें, उग्रवाद के नाग को कुचल कर भारत की सेना, भारत के सैनिक और भारत के लोग दम लेंगे। उग्रवाद का भारत के अंदर कोई स्थान नहीं हो सकता। पर एक बात मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब वो इस प्रकार के उग्रवादी संगठनों के ऑडियो या वीडियो अपने चैनल्स पर दिखाने से गुरेज करें, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये एक उग्रवाद एक ऐसा सांप है जो जब भी उसे कोई प्रोत्साहित करेगा ये उसको डसेंगे। पाकिस्तान के नागरिक वो उग्रवाद का सांप जो वो पाल रहे हैं उसको पाकिस्तान के नागरिकों ने भी अनेकों बार डसा है, पर पाकिस्तान की सरकार में बैठी आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को यह बात समझ में नहीं आती। प्रश्न बड़ा सीधा है, मोदी सरकार पाकिस्तान निर्यातित उग्रवाद को रोकने में असक्षम और फेल साबित हुई है। मोदी जी आप क्या करेंगे उग्रवाद को रोकने के लिए, देश को यह बताएं। 5 साल से देश इस बात की इंतजार कर रहा है कि वो लाल आंख और 56 इंच का सीना कभी दिखेगा तो पाकिस्तान निर्यातित उग्रवाद रुकेगा। आए दिन ये जिम्मेवारी केवल और केवल हमारे रणबांकरों, हमारे बहादुर सैनिकों की नहीं कि वो भारत मां के लिए वीरगति प्राप्त कर पाकिस्तान से आने वाले उग्रवाद को रोक कर रखें। सरकार की जिम्मेवारी क्या है, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी क्या है? जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का शासन है गवर्नर रूल के माध्यम से और दिल्ली में भी भाजपा का शासन है। वो भाजपा जो आए दिन राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देती है, आप क्या करेंगे और आपके पास क्या हल है? अब देश की पेशेंस जो है वो टूट चुकी है। देश जानना चाहता है कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। मोदी जी देश को जवाब दें।
धन्यवाद। भिगोकर खून में वर्दी, कहानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क की सच्ची, निशानी दे गए अपनी, मनाते रह गए वैलेंटाइन डे हम तुम, वहाँ कश्मीर के सैनिक जवानी दे गए अपनी। दिल्ली से सुनील बालियान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ दिल्ली।